Example 3. एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया गया है देख, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. गुड्स कंसाइंड 20,000 लीटर ऑफ पेट्रोल एट द रेट 20 पर लीटर. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 50,000. कंसाइनीज एक्सपेंसेस अनलोडिंग चार्जेस 3980, स्टोरेज 5020. स्टोरेज का मतलब होता है रेंट का, रेंट चार्जेस, तो वो नहीं आएगा, वो रिकरिंग नेचर का होता है स्टोरेज. लीकेज ऑफ पेट्रोल ड्यूरिंग ट्रांजिट, लीकेज ऑफ पेट्रोल जो है ना ये ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब कंसाइनर ने जब लॉरी में वो पेट्रोल को भेजा, वो कंसाइनर ने रिसीव तब नहीं किया था, वो बीच में लीकेज हुआ था, तो स्टोरी का एडजस्टमेंट बीच में ही होना चाहिए. सेल्स मेड बाय कंसाइनी कितना दे दिया गया, कितने में सेल किया गया वो मटेरियल है, कितना लीटर सेल हुआ, ये मटेरियल फैक्ट है. लास्ट कंसाइन इज कमीशन 5% ऑन सेल्स, ये तो नहीं आएगा. तो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड 20,000 लीटर से एंड पर लीटर का जो प्राइस दिया गया है ये 20 पर लीटर है, कितना होगा? 4 लाख. 4 लाख होगा क्या? 4 लाख एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस दिया गया है 50,000, गोडाउन से निकल गया गुड्स, तो इसका प्राइस कितना है? 4,50,000 इसका प्राइस है. अभी कंसाइनी रिसीव तो नहीं किया, बीच में ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस हुआ, सो लेस नॉर्मल लॉस. यहां पे लिखना है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड आता है. नॉर्मल लॉस ड्यू टू लीकेज कितना हुआ? नॉर्मल लॉस 100 लीटर. ड्यूरिंग ट्रांजिट वर्ड लिख देना है, ड्यूरिंग ट्रांजिट. सो 100 लीटर का वेस्टेज सिर्फ क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, वैल्यू एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 19,900, राइट? यहाँ पे ऐड हो जाएगा कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. यहाँ पे दो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ना एक ही है, अनलोडिंग चार्जेस है. अनलोडिंग चार्जेस कितना है? अनलोडिंग चार्जेस 3980. सो 19900 यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4,53,980, राइट? सो ये हो गया इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स received by consignee. अभी बोल value of unsold stock कितना होगा? Value of unsold stock देख, इसका value इतना है, so divide अगर तू करेगा 19900 multiply unsold कितना होगा? हम 4,000 ना, 15,900 तो सोल्ड आउट हो गया, तो बैलेंस कितना रहेगा? 4,000. यहाँ से 15,900 माइनस करने से कितना हो जाएगा? 9,900, तो 4,000 ही तो होगा, राइट? तो कितना होगा थोड़ा सा बोल आंसर. 91,000
52, तो ये हो गया अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, कर ले कंप्लीट।